दरगाह हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह मणिकुंडा जागीर जिस पर लैंको हिल्स तामीर हुई 108 एकड़ पर, गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ की ज़मीन को जिस तरह से मुख्तलिफ कंपनियों को दे दिया गया, उसके खिलाफ जो केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जिसमें वक्फ के हक में फैसला हुआ, उस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट हाईकोर्ट में रुजू हुई लैंड ग्रैबर्स के साथ। तो हाईकोर्ट में भी अल्लाह के फजल से महाजिर साहब थे और वक्त के फेवर में वो फैसला हुआ। उस फैसले के खिलाफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी, एसएलपी गई, वहाँ पर केस के तमाम रिकॉर्ड्स वक्त के फेवर में मुंतखब है। 1898 एकर्स का मुंतखब है, 1665 एकर्स पे ये तकरीबन केस चला। उसमें तमाम जो केसेस ट्रिब्यूनल में जीते गए, हाईकोर्ट में जीते गए, और वक्फ बोर्ड की जो पैरवी सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुई। और वक्फ बोर्ड की जानिब से पहले पहल बहुत अच्छा काम किया गया। कैसा, वहाँ पर इलियास साहब जो रेवेन्यू ऑफिसर है, एमआरओ है, उन्होंने तहसीलदार है, उनको भेजा गया और उनके उन्होंने वहाँ पर बेहतरीन यानी वक्फ बोर्ड के फेवर में मशवरे दे रहे थे। तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने उनको फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया, यहाँ पर बुला लिया गया। उसके खिलाफ जो भी इलियास साहब के मुतबादिल अच्छे ऑफिसर्स को यहाँ से भेजना चाहिए था, ये खुली खुली धांधली है। ये केसीआर के यानी असर के नीचे दबे हुए तमाम लोग, इसमें वक्फ बोर्ड की जानिब से मौसर कार्रवाई नहीं की गई। जब से हम लोग चीखा मार रहे थे कि यहाँ से सही ऑफिसर पैरवी सही होना, लेकिन महाजिर साहब को नहीं भेज के किसको भेज दिए, क्या कर दे, जो जीते केस उनको नहीं भेजे, केस उनको नहीं दिए, इसमें ये वक्फ बोर्ड का अमला पूरा मुलविस है। वक्फ बोर्ड के जो जो अहदेदार जिसमें जिम्मेदार है, जिसमें हमारे सीओ साहब भी यहाँ पर यहाँ गलती किए या पता नहीं, यहाँ उन्होंने भी गवर्नमेंट के प्रेशर में आ गए और चेयरमैन साहब को भी अपनी शायद कुर्सी अजीज रह गई। वरना अगर वाकई इनको जो हिंदुस्तान की सबसे अहम जायदाद है, जो सबसे कीमती जायदाद है, बजाय इसको मौसर इसकी पैरवी करने के, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कोई इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि इस मुकदमे का फैसला करे, वो फैसला अगर जो कोई भी आर्डर पास करे तो ट्रिब्यूनल को भेजना चाहिए था। ये केस सरासर मुसलमानों के खिलाफ, वक्फ जायदादों के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं केसीआर गवर्नमेंट की जानिब से, ये सबूत है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा, तकरीबन 1,00,000 करोड़ का मुकदमा, ये वक्फ बोर्ड के बजाय फेवर में आने के खिलाफ आया है। मैं तमाम तंजीमों से, तमाम जमातों से, तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मसले को लेकर उठें। ये गवर्नमेंट अपील में जाने वाली नहीं है। मैं तमाम जाहिद अली खान साहब से, असदुद्दीन ओवैसी से, रेवंत रेड्डी से, तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मुकदमे को आप लोग उठाइए, मसले को पार्लियामेंट में उठाइए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और अवामी तंजीमों से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट आपका हमारा कोई भला करने वाली नहीं है। इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पूरा मन एहतजाज करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो इसके लिए जेलों में भी जाना पड़ेगा। ये मुकदमा तमाम मुसलमानों की ये जायदाद है, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए ये जायदाद वक्फ की गई जायदाद है, इसका तहफ्फुज़ करना तमाम मिल्लत इस्लामिया की और तमाम सेक्युलर आवाम की जिम्मेदारी है। यही मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।